नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। पुलिस स्टेशन छावला के स्टाफ ने एक व्यक्ति को दिल्ली एक्सरसाइज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रात को 9 बजे कुतुब विहार फेस 2 के पास पेट्रोलिंग करते वक्त पुलिस को एक व्यक्ति दिखा जो 2 प्लास्टिक बैग में भर के अवैध शराब ले जा रहा था। व्यक्ति का नाम मीनू बताया जा रहा है, जो कि जयपुर का रहने वाला है और 28 वर्ष का है। छावला पुलिस ने मौके पर ही 238 क्वार्टर्स अवैध शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एक्सरसाइज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे जानकारी निकाली तो पता चला व्यक्ति के खिलाफ पहले से ही 2 FIR दर्ज है, जो कि मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन की है। पुलिस आरोपी के खिलाफ और जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने फोन स्नैचर्स को कैसे पकड़ा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल ने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से 2 मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी का नाम साहिल खान बताया जा रहा है, जो कि पालम गांव का रहने वाला है और उसके पास से चोरी किया हुआ एंड्रॉइड मोबाइल फोन जब्त किया, जिसकी FIR द्वारका साउथ में हुई थी। और दूसरा आरोपी अनुज, जो जनकपुरी का रहने वाला है, उसके पास भी एक एंड्रॉइड मोबाइल की बरामदगी की गई, जिसकी FIR डावरी पुलिस स्टेशन में हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।